ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। सो हाय गाइस, कल आदि पुरुष का नया ट्रेलर आया था। आई नो मैंने ये वीडियो बहुत ही लेट बनाया इस पर, बट अगर आपने अगर ट्रेलर देख लिया तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी पूरी गलती सुधार की। पिछली बार जब इसका टीजर आया था तो इसके VFX इतने अच्छे नहीं थे, बट इस बार का ट्रेलर देखोगे तो बहुत ही बेटर VFX, बेटर क्वालिटी और बेटर म्यूजिक साउंड। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, इस मूवी के रिव्यू रिएक्शन और पूरी तरह से इसके गलतियों पे बात करेंगे। भिक्षाम देही, पहले बात कर लेते हैं VFX की। VFX तो बेटर है, मतलब इन्होंने क्वालिटी बढ़ा दी तो VFX बेटर लग रहे हैं। और थिएटर में जब ये पहले स्क्रीन किया गया तो वो 3D में किया गया था, तो अगर ये दोनों चीज़ें निकाल दे तो हो सकता है कि पहले वाले टीजर से ये थोड़ा बहुत मिल खाए। बट फिर भी इन्होंने चेंज किया है, वो चेंज मूवी देखने लायक तो है। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। स्टोरी की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको कहानी तो पता ही है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बट इसके विजुअल्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि जब वो स्पीच देते हैं मोटिवेशनल स्पीच, और जब हनुमान जी का वो विराट रूप दिखाया जाता है, या वो जब संजीवनी बूटी का पहाड़ अपने हाथ, तो सब विजुअल्स और इससे भी बेटर ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी में। सबसे बेटर रोल अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है सैफ अली खान का, जिन्होंने एज अ रावण रोल प्ले किया है, जिसका इतना ज़्यादा कैमियो नहीं दिया है, बट एक लास्ट का सीन हमें दिखाया है और वो बहुत ही एपिक सीन लग रहा है क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा शिवलिंग दिखाया गया है। उसके ग्लिम्स के हिसाब से देखें और रोल के हिसाब से देखें तो बेस्ट रोल तो मुझे सैफ अली खान का ही लग रहा है। कास्टिंग में और बात करें तो अगर ये कृति सैनन को हीरोइन नहीं लेते तो शायद और ज़्यादा बेटर हो जाता, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग अब बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको इस ट्रेलर के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा।